बच्चों का वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा हेडेक होता है कि बच्चों को कहाँ पे लेके जाना है। बड़ी ट्रिप तो आखिर वो लोग प्लान करते ही है, जैसे अभी मैं अहमदाबाद का लोकल हूँ तो यहाँ से शिमला, मनाली, साउथ में केरला और महाराष्ट्र के कई हिल स्टेशन पे यहाँ से गुजराती फैमिली फिरने जाती है। लेकिन पूरा वेकेशन तो वो लोग बाहर नहीं रह पाते, तो संडे के दिन कुछ ना कुछ वो प्लान करते हैं। तो इस तरह के अहमदाबाद में काफ़ी सारे फन जोन बनाए गए हैं जो बच्चों को और पेरेंट्स को काफ़ी सारा अट्रैक्शन देते हैं, और संडे के दिन काफ़ी सारी भीड़ यहाँ पे होती है। ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूँ, वैकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अहमदाबाद में SG हाईवे पर आया हुआ फन ब्लास्ट, उसके बारे में काफ़ी सारा मैंने सुना था। तो चलिए फन ब्लास्ट के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या राइड्स, किस तरह के अट्रैक्शन यहाँ पे मौजूद है फ्रेंड्स। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं और मैं डिटेल जानकारी देता हूँ आपको फन ब्लास्ट के बारे में। फन ब्लास्ट जो कि SG हाईवे के पास अहमदाबाद का काफ़ी फेमस रोड है, SG हाईवे वहाँ पे है, और इसका एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। और इसकी एंट्री टिकट है 30 रुपीज़, भैया एक एंट्री टिकट दे देना मुझे 30 रुपीज़। चलिए एंट्री कटे है, टिकट ले लिए मैंने। लो बहन जी टिकट कट कर दो मेरी। अच्छा, मैंने जैसी ही एंट्री करी मुझे दो साइड गेम जोन दिखाई दिए, एक साइड पूरा इनसाइडर गेम था और दूसरी साइड पूरा आउटसाइडर गेम है। बाहर गर्मी बहुत थी इसके लिए चलो मैंने सोचा सबसे पहले मैं जाता हूँ इनसाइडर गेम में, जहाँ पे ट्रैम्पोलिन पार्क है, कार्निवल है, प्ले स्टेशन है। लेट्स एंटर इन द इनसाइडर गेम। क्या बात है यार, क्या लाइटिंग है और क्राउड भी आज काफ़ी अच्छा क्राउड है। अच्छा, यहाँ के मैं आपको चार्ज के बारे में बता दूँ तो आपको यहाँ पर एक कार्ड लेना होता है, उसमें आपको पैसे फिल करवाने होते हैं। जैसे इस देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ का कार्ड लोगे आप तो 1100 रुपये मिलेंगे, 5000 का कार्ड करवाओगे तो 6500 रुपीज़ मिलेंगे। हर एक गेम का चार्ज अलग अलग रहता है फ्रेंड्स। आई थिंक सिंधु भवन रोड पे जो फन ब्लास्ट है उससे तो ये बड़ा ही है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा ट्रैम्पोलिन पार्क अवेलेबल नहीं था। और ये देखिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो ये वाली गेम है जिसमें बच्चों को हैंग किया जाता है और बच्चे के अंदर बच्चे फूड पैकेट्स उठा सकते हैं, जितना वो उठा सकते हैं उतना वो सभी फूड पैकेट्स बच्चों को दे दिया जाता है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ मैंने कुछ अर्न कर रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, क्या बात है। ये देखिए एक साइड ट्रैम्पोलिन पार्क, ये ट्रैम्पोलिन पार्क ऐसा है कि जहाँ पे किड्स और एडल्ट्स दोनों एंजॉय कर सकते हैं। चलिए मैं चलता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से आपको पूरा ट्रैम्पोलिन पार्क, पूरा जो फन इलेक्ट्रॉनिक प्ले जोन है उसका पूरा व्यूज़ बताता हूँ कि ये किस तरह दिखता है मुझे फर्स्ट फ्लोर से। ये देखिए एक साइड पर पूरा ये पार्क देख सकते हैं, यहाँ पर किड्स और एडल्ट्स दोनों एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पर एज नो बार। ये है बॉलिंग गेम। आजकल यंगस्टर्स में बॉलिंग करने का काफ़ी सारा एक ट्रेंड्स बढ़ गया है कि भाई हम अगर गेम्स खेलने तो हम तो बॉलिंग खेलेंगे। ये बड़ों की गेम है भाई, बड़े लोग यहाँ पर खेलते हैं। चलिए एक मैं आपको ट्रैम्पोलिन पार्क का एक व्यू बताता हूँ। देखिए ट्रैम्पोलिन पार्क में क्या होता है कि अलग अलग टाइप के हर्डल्स रखे होते हैं, उसको बच्चे एडल्ट क्रॉस करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और एंजॉय करते रहते हैं। यहाँ पे आपको जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कार्ड लेना है और उसमें आपको रुपीज़ अमाउंट फिल करवानी है। तो एक एडवाइस दूंगा कि अगर आपको कोई गेम खेलनी हो तो कुछ गेम के ऊपर प्राइस लिखी हुई है, कुछ गेम के ऊपर नहीं लिखी हुई है, तो आपको स्वाइप अप करने से पहले एक बार वहाँ पे जो भी अटेंडेंट खड़ा उससे पूछ लेना, जिससे आपके पैसे वेस्ट ना जाए। कई गेम कॉस्टली है, कई गेम चीप है, तो पूछ के कि अपने को स्वाइप अप करना है। कई सारी यहाँ पर 3D गेम्स भी अवेलेबल है, आपके आंखों के ऊपर गूगल स्पिना के जो 3D इमेज डेवलप करते हैं, एक से बढ़कर एक 3D गेम यहाँ पे अवेलेबल है, एंजॉय कर सकते हो, फुल एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए किस तरह से ये बच्ची कार्स चलाने का काफ़ी एंजॉयमेंट ले रही है। भाई सच कहूँ तो मुझे ये गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। ये गेम ऐसी थी कि एक साथ 8 लोग खेल सकते हैं, यानी एक ही गेम में 8 लोग का रिजल्ट आ जाता है।
ये गेम का नाम है हॉर्स रेसिंग, और ये देखिए कि काफ़ी बड़े बड़े लोग ये गेम खेल रहे हैं। हमारे पास बॉल होती है और बॉल को जो हॉल्स होते हैं सामने वहाँ पे पुश करना होता है। जितनी ज़्यादा बार हम जो बॉल से उसको हॉल में डाल देते इतना हमारा घोड़ा और आगे बढ़ते जाता है। इसमें लास्ट में और एक लास्ट में एक विनर होता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज द ऑल अबाउट द इनसाइडर गेम के जो एक इलेक्ट्रॉनिक प्ले स्टेशन और वहाँ पे इतनी सारी गेम्स थी, ट्रेम्पोलिन पार्क था। और अब बाप रे, ये मेरे पीछे देखिए, अब मैं बाहर आ चुका हूँ। तो देखिए बच्चे कितने एंजॉय करते हो, एक यहाँ पे टॉय ट्रेन चल रही है। तो चलिए अब मैं आ चुका हूँ बाहर की साइड। यहाँ पे भी काफ़ी सारी यहाँ पे भी मैं काफ़ी सारा कन्फ्यूज हो चुका हूँ कि इतनी सारी मैंने अंदर इलेक्ट्रॉनिक गेम्स देखी। बाप रे बाप, अब मैं आ चुका हूँ बाहर की साइड। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस टाइप की राइड्स मौजूद हैं। आउटसाइडर गेमिंग जोन के सेंटर में आपको एक काफ़ी बड़ा टिकट काउंटर देखने मिल जाएगा। ये मेरे पीछे ये देखिए, ये पूरा टिकट काउंटर है। यहाँ पे जो मिनिमम टिकट प्राइस है बच्चों की, वो 60 रुपीज़ पर पर्सन है, और मैक्सिमम यहाँ पे टिकट प्राइस है 150 रुपीज़ पर पर्सन। जो विंड मिल करके एक राइड है उसकी टिकट है 150 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलिए टिकट्स तो आपको जैसे ही आप एंट्री करोगे फन ब्लास्ट में आपको आइडिया आ जाएगा कि अलग अलग राइड्स की अलग अलग प्राइस रहती है। तो चलिए मैं आपको अलग अलग राइड्स बताता हूँ कि यहाँ पे कौन सी राइड्स अवेलेबल है। सबसे पहली राइड के पास मैं आ चुका हूँ, जो है एक बच्चों की राइड जिसका नाम है जॉकर। बच्चे यूँ भी जॉकर को देख के खुश हो जाते हैं, इसके लिए इसका नाम जॉकर दिया गया है। एक साल से लेकर 3 साल के बच्चे इसके अंदर बैठते हैं। अभी देखिए साइकिलिंग करनी है आपको, रोप के ऊपर साइकिलिंग करनी है विथ फुल प्रिकॉशन के साथ। चलिए नेक्स्ट राइड है सनमून, ये 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे इस राइड के अंदर बैठ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लेन, बच्चों को अगर आपको प्लेन का एक्सपीरियंस देना हो तो यहाँ पे बच्चों को बिठा दीजिए, उसको प्लेन का एक्सपीरियंस मिल जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट राइड है फ्लाइंग कार, इस राइड में एडल्ट्स के साथ साथ किड्स भी बैठ सकते हैं। ये भी काफ़ी एक नई राइड है। अभी मैं आ चुका हूँ गो कार्टिंग के पास। फ्रेंड्स क्या बात है, गो कार्टिंग के 6 लैप आपको दिए जाते हैं, आपको 6 लैप करने होते हैं। अगर आपसे किसी गाड़ी को आपने ठोक दिया तो आप तुरंत ही डिसक्वालीफाई हो जाएगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। 6 लैप पूरे हुए हो या ना हुए हो, तो ये बात खास आप ध्यान में रखना जब आप गो कार्टिंग कर रहे हो फन ब्लास्ट में। यहाँ पे मुझे करीबन 2 राइड एकदम यूनिक लगी थी। एक है ये स्क्रीम टावर, स्क्रीम यानी चिल्लाना। मैंने अभी बाकी सब आवाज़ म्यूट कर दिया है, सिर्फ मेरा ही आवाज़ है जो अनम्यूट है, नहीं तो आप इतनी चिल्लाहट यहाँ पे सुन सकते हो। ये देखिए स्विंग चेयर, क्या बात है, ये भी मुझे एक नई राइड यहाँ पे देखने मिली। काफ़ी यूनिक राइड थी ये स्विंग चेयर, और काफ़ी एंजॉय कर रहा था यंगस्टर यहाँ पे। ये मेरे पीछे आप जो राइड देख रहे हैं वो इस फन ब्लास्ट की सबसे कॉस्टलीस्ट राइड है। इसका कॉस्ट है करीबन 150 रुपीज़, ये सबसे कॉस्टली राइड है। तो चलिए देखते हैं राइड किस तरह का एंटरटेनमेंट देती है किड्स को, बच्चों को जो इसके अंदर बैठे हुए हैं। देखिए किस तरह विंड मिल की तरह घूम रही है पूरी राइड। अब देखिए इसका चार्ज है 150 रुपीज़ पर पर्सन।
फन ब्लास्ट में मुझे एक मेरे दो सब्सक्राइबर और मिल गए। क्या नाम है दोस्त आपका? जय। और आपका? क्रिश। कैसा मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। सब लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। जोर से बोलो, आना चाहिए कि नहीं फन ब्लास्ट में? आना चाहिए। चलो थैंक यू। बाहर शहरों में भी आना चाहिए। चलो सही है, थैंक यू, थैंक यू फ्रेंड। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्नो सिटी भी आया हुआ है और इसकी टिकट है, एंट्री फी है 500 रुपीज़। ऑलरेडी मैंने अल्फा मॉल में जो आया हुआ है स्नो पार्क, उसका वीडियो बना दिया है और कभी मौका मिलेगा तो ये स्नो सिटी पे जाके भी इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अब फन ब्लास्ट से मैं एग्जिट कर रहा था और यहाँ पे एरेटो की शूज़ का एक स्टॉल लगा हुआ है। फ्रेंड्स, एरेटो जो शूज़ है वो आए थे सार्क इंडिया, उसमें प्रोग्राम में वो आए थे और यहाँ पे उस शूज़ की खासियत ये है कि देखिए मैं आपको शूज़ बताता हूँ। ये देख सकते हैं आप, तो ये शूज़ जो बच्चों के आते हैं आपको 3 साइज़ तक बढ़ते रहते हैं शूज़। आपको एक बार ये शूज़ परचेस करने और 3 साइज़ तक बढ़ेंगे। अगर आप बच्चे की शूज़ की साइज़ 4 नंबर है तो 5, 6, 7 यानी करीबन 3 से 3.5 साल तक तो ये शूज़ चलेंगे फ्रेंड्स। डेढ़ साल तक तो ये शूज़ चलेंगे। सर आप प्राइस बता सकते हैं इसकी? 2500 से लेके 3100 तक की प्राइस है, जिसमें 200 से 500 रुपए डिस्काउंट होने के बाद तो 2300 से 2600। 2500 से 3100 बीच अभी जो डिस्काउंट चल रहा है 2300 रुपए में ये शूज के ऊपर, 2300 से 2600 के बीच में ये शूज पड़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये 3 साइज तक चलेंगे फ्रेंड्स। ये एक नया शूज में बोल सकते हैं कि इसको वर्ल्ड का एक लोटा शूज है जिसकी साइज बढ़ती है फ्रेंड्स। ऐसे शूज आपको दूसरी जगह देखने में मिलेंगे और ओनली फॉर किड्स के लिए ये शूज आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज द ऑल अबाउट द फन ब्लास्ट जो कि एसजी हाईवे पे आया हुआ है। काफ़ी बहुत सारी राइड्स है फ्रेंड्स और यहाँ पे आने वाले जो लोकल्स है बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। अगर आप अहमदाबाद में आते हो और आपको स्टे करने का प्लानिंग है तो नाइट में यहाँ पे आइए, बच्चों को लेके आइए और आपके साथ जो बड़े भी है वो भी काफ़ी यहाँ पे एंजॉय करेंगे। तो चलिए निकलते हैं अब यहाँ से। तो अगर मेरा ये एफर्ट आपको पसंद आया हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर से शेयर कर दीजिएगा। आजू बाजू काफ़ी सारा वॉइस हो रहा है तो मैं लाउडली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।